पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर बनाया अपना मजाक। मैट्रेस बिछाकर कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर कहेंगे कि भारत को हरा कर आएंगे और T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर अपने देश में वापस आएंगे। पाकिस्तान अगर क्रिकेट टीम की बात करें वो लगातार लोगों के निशाने पर है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरह से अपने फील्डिंग ड्रिल आजमा रहे हैं और किस तरह से कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन नीचे मैट्रेस बिछाकर। कोई इनसे जाकर पूछे कि जब आप फील्ड में खेलने जाओगे, जब मैच होगा, तब आपको ये नीचे गद्दे मिलेंगे? आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान कोई तो मैच जीतेगा, आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान इतिहास रचेगा और कोई मैच जीतेगा, लेकिन इस तरह के हालात रहे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई मैच जीतने वाला है? आपने देखा कि कभी पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत में गए तो हैदराबादी बिरयानी खा ली, उस वजह से हम जो है वो मैच नहीं जीत पाए। लेकिन कभी तो पाकिस्तान टीम को ये जवाब देना होगा अपने देश वालों को कि हम जीतते क्यों नहीं हैं। अभी आपने देखा कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को जो है वो हराया। आखिर में मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन भारतीयों के खिलाड़ियों ने अपनी फील्डिंग को इतने टाइट रखा, अंत की अगर बात करते हैं जीत जो है वो भारत की हुई। और आज भारत वाले बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी इंडियन क्रिकेट टीम ने उन्हें जीतने का गौरव जो है वो प्रदान किया और आज हर एक भारतीय खुश है कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। बाबर आजम के लोग तो बहुत ज़्यादा फैन हैं और बाबर आजम क्या कर लेंगे जब उनकी टीम के खिलाड़ी जो है वो इस तरह से प्रदर्शन करेंगे। इमामुल हक की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम आपने उनका सुना है, और उनके कोच की बात करते हैं मसूद, उनकी देखरेख में ये फील्डिंग ड्रिल्स की जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। देखिए, अगर पाकिस्तानी लोग नाराज़ होते हैं ना, अगर पाकिस्तानी लोग भी आप सोशल मीडिया पर देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं, वो भी कहते हैं कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और भारत की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और भारत हमेशा से अब आगे ही जाता जा रहा है, यानी भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, चाहे हम हार्दिक पांड्या की बात करें, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को बहुत आगे तक लिया। लेकिन बाबर आजम अकेले क्या कर लेंगे जब उनके खिलाड़ी जो हैं वो इस तरह से मैट्रेस बिछाकर प्रदर्शन करेंगे? और देखिए, ये खाते पीते बहुत हैं लेकिन इनसे काम कोई नहीं होता। पाकिस्तानी लोग भी कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब ये जीत कर ट्रॉफी अपने देश में लाएंगे। आप देखिए, पाकिस्तानी टीम जो है वो जाती बहुत बार है क्रिकेट खेलने, अभी ये भी कह रही थी कि T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, अब आने वाला जो मैच है उसमें भी कह रहे हैं उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो पोल खोल के रख दी। और अभी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये पाकिस्तान टीम का प्री सेशन ट्रेनिंग वीडियो है जो वायरल हुआ है, जिसमें इमामुल हक जैसे खिलाड़ी जो हैं वो कोच मसूद की निगरानी में मैट्रेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो ने जो है वो खिल्ली उड़ाकर रख दी पाकिस्तानी टीम की। और ये आज नहीं, ये पहली बार नहीं है, बिरयानी खाते खाते भी बहुत से वीडियोस वायरल हुए हैं। अब पाकिस्तानियों बताओ, जीतोगे कहाँ से? जीतने के लिए प्रैक्टिस बहुत हार्ड करनी पड़ती है, जो आपसे होती नहीं तो फिर मैदान में जो है आपके सारे सपने टूट जाते हैं और फिर भारत जीतता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा जीतता है। और अभी पाकिस्तान टीम को भी देखना चाहिए कि उन्हें प्रैक्टिस हार्ड करनी चाहिए ताकि उनके देश को भी उन पर गर्व हो। लेकिन एज ए भारतीय होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा अपनी टीम पर प्राउड है।